हेलो, मेरा नाम है अजय ठाकुर और मैं एक था एडमिरल मर्चेंट नेवी में। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे फेमस होना है, बट मैं जस्ट उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे 10th के बाद जिनमें क्यूरियोसिटी है कि हमें जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। और मुझे बहुत से बच्चों का कॉल आया अभी रिसेंटली जो मेरे सराउंडिंग में रहते, जिनको पता है कि मैं काफ़ी साल से मर्चेंट नेवी में जो है काम कर रहा हूँ। तो लेकिन सबसे मेन जो अभी स्कैम हो रहा है मर्चेंट नेवी के नाम पे, तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ STCW कोर्सेज कराते हैं। बेसिकली ये आपके सर्वाइवल के लिए जो है कुछ कोर्सेज रहते हैं, बेसिक कोर्सेज जो आपको करने रहते हैं, इसे बेसिक STCW कोर्स बोलते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आपको 10th के बाद जो मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन करनी है, आपने 10th या इवन 12th के बाद भी आपको ज्वाइन करनी है और आपने जो है नॉन मेडिकल में 12th नहीं किया है, तो आप एज ए ऑफिसर जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि आप एज ए क्रू, एज ए AB और एज ए मोटरमैन जो है आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए कि 6 मंथ का कोर्स होता है मर्चेंट नेवी में, जिसे हम लोग GP रेटिंग कहते हैं। तो GP रेटिंग के नाम पे जो है कुछ इंस्टीट्यूट जो है बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मतलब मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चे ऐसे मिले हैं MMDs के बाहर जिनको ओपन CDC, एक चीज़ होती है जो ओपन CDC जो है बच्चों को बना के दे देते हैं वो लोग, और कहते हैं कि हम आपको जो है इंडियन CDC दे रहे हैं, और उनसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं 2-2.5 लाख रुपए। फिर वो बच्चे आगे भी मतलब कहीं पे अच्छे उनको जॉब के स्कोप नहीं रहते, क्योंकि जो एक प्रॉपर वेसल है, प्रॉपर एक जहाज है, उस पे जो क्रू हम लोग मतलब हमारी कंपनीज जो हायर करती है वो GP रेटिंग मांगती है। GP रेटिंग एक कोर्स होता है। तो अगर आपको किसी को भी 10th के बाद GP रेटिंग एज ए क्रू जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो DG शिपिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके जो भी DG ये कुछ जो है DG अप्रूव कॉलेज की लिस्ट है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और ये आप डायरेक्टली जो है DG शिपिंग की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो ये सब कॉलेज अगर है तो ये अप्रूव है, अदरवाइज अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, आप उनसे GP रेटिंग कीजिए। और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ होता है। अभी जो जिन जिन फ्रॉड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें 2 से 2.5 महीने आपको थोड़ा ऐसे टाइम पास करा के, STCW कोर्स करा के, एक ओपन CDC जो है वो लोग इशू करवा के दे देते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 700 रुपये है, और आपसे वो लोग 2-2.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो कृपया ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, प्रॉपर आपको गाइडेंस ना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा आप लोग की हेल्प करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें ऐसे बच्चे बाहर मिलते हैं, फिर वो बच्चे मतलब ऐसा टूटे दिल से अपनी कहानी बताते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि काश हम मतलब अगर ये बच्चा हमें पहले मिला होता तो हम इसको प्रॉपरली गाइड कर पाते। तो अगर आपको GP रेटिंग करनी है, आप 10th कीजिए अच्छे नंबरों से, और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कीजिए। उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप दिल्ली से कर रहे हो तो दिल्ली में श्रीराम करके एक इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे चले जाओ तो TS रहमान करके एक इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट है। बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप DG शिपिंग की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि जिस इंस्टीट्यूट से आप GP रेटिंग कर रहे हो वो DG अप्रूव है या नहीं है। अभी ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, आपको ऐसा क्राइटेरिया भी चेक करना है कि उन कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। अगर एक बार आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होती है, तो फिर जब आप पास आउट होते हो, आप किसी बी ग्रेड मतलब इंस्टीट्यूट से आप अगर GP रेटिंग कर भी लेते हो, तो आपको जॉब मिलने में बड़ी ही मुश्किल होगी बाद में। तो आप पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए कि कौन से इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट अच्छी है, फिर उनमें अप्लाई कीजिए। इसमें आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। और हाँ, मेडिकली आपको फिट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई मेजर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप मेक श्योर कीजिए कि आज जब आप मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।